वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट विजय कुलकर्णी, प्रोफेसर विजय कुलकर्णी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक। सो टुडे आज हम देखने वाले हैं अपना ओवरहैंगिंग बीम का प्रॉब्लम। सो पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम कैसे दिया है वो देख लीजिए। पहले अ बीम एबीसी 6 मीटर लॉन्ग इज अ सपोर्टेड एट ए एंड बी 4 मीटर अपार्ट। BC is equal to 2 meter. The beam carries a UDL of 20 kN per meter over the entire length along with a downward point load of 10 kN at C. Plot SFD and BMD for the beam and locate the point of contraflexure. तो ये अपना प्रॉब्लम है, ओवरहैंगिंग बीम का प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम ओवरहैंगिंग बीम का कैसे क्या आप आइडेंटिफाई करोगे? टोटल बीम दिया है आपको ABC। टोटल बीम का लेंथ कितना है? 6 मीटर है। सपोर्टेड एट ए एंड बी 4 मीटर अपार्ट। उसका जो सपोर्ट है वो ए और बी को ही लगाया है और बीसी जो है 2 मीटर ये ओवरहैंग पार्ट है। ओके, सो हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम कैसे वो देखिए। सी ए बी बीम 4 मीटर अपार्ट, बीसी इज इक्वल टू 2 मीटर, ए एंड बी इज सपोर्टेड, एंटायर लेंथ कैरीज अ यूडीएल ऑफ 20 kN पर मीटर। अपार्ट फ्रॉम दैट अ पॉइंट लोड एट पॉइंट सी 10 kN इज यूज। ओके, सो फर्स्ट स्टेप रहता है इसके अंदर कि हमको रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी वो फाइंड आउट करना रहता है। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम टेकिंग अ मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे। अगर हमने ए को मोमेंट लिया तो क्या क्या आएगा देखो। सबसे पहले यूडीएल का फोर्स आएगा 20 × 6। 20 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूडीएल एंड 6 इज द टोटल लेंथ ऑफ द यूडीएल, 20 × 6। और ये कहाँ पे एक्ट होता है? सेंटर ऑफ द यूडीएल। तो सेंटर ऑफ द यूडीएल यानी क्या? 6 का हाफ, तो हमने यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो 20 × 6 × 6/2 प्लस 10 × 6, टोटल डिस्टेंस 10 × 6। तो हमने क्या किया है, RB × 4 एक साइड में लिया है और ये जो मतलब जो अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला था उसको एक साइड में लिया इज इक्वल टू साइन के, और जो क्लॉकवाइज घूमने वाले थे वो इज इक्वल टू साइन के एक साइड में। तो यहाँ से हमने RB का वैल्यू निकाला, दैट RB हैज अ वैल्यू 105 kN। RB का वैल्यू हमें मिल गया है 105 kN। इसके इस हिसाब से हमने RA का वैल्यू निकाला। तो RA का वैल्यू कैसे निकलता है? अपवर्ड फोर्सेस आर पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर निगेटिव। तो अपवर्ड फोर्सेस है हमारे यहाँ पे RA और RB, डाउनवर्ड फोर्सेस है हमारे यहाँ पे 20 × 6 + 10, और यहाँ पे हमने RB का वैल्यू पुट कर दिया -105। सो RA का वैल्यू मिल गया 25 kN। ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। इन दैट फर्स्ट स्टेप वी हैव फाइंडेड द वैल्यू ऑफ आरबी एंड आरए। सो आरबी हैज अ वैल्यू 105 kN, आरए हैज अ वैल्यू 25 kN। नाउ स्टेप नंबर 2। अभी स्टेप नंबर 2 में हमें क्या निकालना है? शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए पॉइंट को देखेंगे। फोर्स एट ए, फोर्स एट ए कितना था? 25 kN, हमने एज इट इज लिया है। ओके, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिया है डायरेक्टली आप पॉइंट पे जाओगे, तो हमने क्या किया? फोर्स एट बी लिया। तो यहाँ पर एल दिया है, सफिक्स का एल क्या इंडिकेट करता है कि हमको बी पॉइंट के लेफ्ट साइड का ही पॉइंट कंसिडर करना है। तो अभी एफ बी एल इसका मीनिंग होता है फोर्सेस एट लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के लेफ्ट पॉइंट पे यहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉइंट रहता है उसको कंसिडर करेंगे और उसको बोलेंगे सेक्शन लाइन। उस पॉइंट में से क्या जाता है? एक सेक्शन लाइन जाती है और उस लाइन के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के ही फोर्सेस हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, FBL यानी क्या? FBL यानी बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा हमने फोर्स दिया है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन हम कंसिडर करेंगे और उस लाइन के सिर्फ लेफ्ट साइड के फोर्सेस कंसिडर करने वाले। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में कौन से फोर्स आएंगे? RA एंड 20 × 4, जो सेंटर पे एक्ट होता है 20 × 4 वो आएगा। देखिए यहाँ पे 25 अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, -20 × 4 डाउनवर्ड फोर्स आर निगेटिव। सो हियर इज द टोटल वैल्यू -55 kN एंड दिस वैल्यू इज लेफ्ट ऑफ बी। नाउ हमें राइट ऑफ द बी भी देखना है। तो राइट ऑफ द बी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी एक सेक्शन लाइन इमेजिनरी सेक्शन लाइन कंसिडर करेंगे और उस लाइन के सिर्फ लेफ्ट साइड में देखेंगे। सिर्फ लेफ्ट साइड में देखने के बाद हमको तीन फोर्सेस दिखेंगे, 25, -20 × 4 एंड 105। ओके, अपवर्ड फोर्सेस आर पॉजिटिव, 25 एंड 105 आर पॉजिटिव एंड -20 × 4 आर निगेटिव। ओके, सो टोटल वैल्यू हमको मिला है 50 kN। ओके, नाउ फिर आखिरी वाला पॉइंट आता है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट को जब हम देखेंगे तो सी पॉइंट के कहां पे देखना है?
तो पॉइंट ऑफ फोर्स ऑन एट पॉइंट सी, तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस सॉरी इसके ऊपर कौन से फोर्सेस आने वाले हैं? तो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करना है और उस लाइन के लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस आपको लेने हैं। तो सारे फोर्सेस मतलब क्या आएगा, 25 पॉजिटिव, माइनस 80 नेगेटिव, 105 पॉजिटिव एंड 20 × 2 नेगेटिव। ओके, तो ऐसे सारे फोर्स आएंगे, तो इन सारे फोर्सेस का टोटल कितना आता है, 10 किलोन्यूटन, और सी पॉइंट को कितना दिया है, 10 किलोन्यूटन। सो आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट, हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका SF का कैलकुलेशन। नाउ BMD, अभी BMD का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले अभी हम डायग्राम भी देख लेते हैं, डायग्राम कैसे क्या ड्रॉ किया है। सबसे पहले A का वैल्यू था, तो हमने RA का वैल्यू यहाँ पे मार्क कर दिया। देखिए A का एक एरो ऊपर जा रहा था, तो हमने एक लाइन ऊपर ड्रॉ की, उसको वैल्यू दिया हमने 25 किलोन्यूटन, पहला वैल्यू मार्क कर दिया। सेकंड, B पॉइंट का पहला वैल्यू कितना है, -55, तो B पॉइंट के ऊपर -55 का वैल्यू हमने यहाँ पे मार्क किया है। गॉट इट, -55 वैल्यू हमने मार्क किया यहाँ पे। और बी पॉइंट के राइट साइड का वैल्यू कितना था, 50, तो बी के ऊपर ही हमने दूसरा वैल्यू मार्क किया 50, क्योंकि बी पॉइंट के दो वैल्यूज हमारे पास थे, तो दोनों वैल्यू हमने मार्क कर दिए। तो यहाँ से देखो, जो हमने एक स्ट्रेट लाइन ऊपर निकला था, यहाँ पे UDL है, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन से दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए। अभी दूसरी वैल्यू आरबी के पॉइंट, बी पॉइंट के ऊपर देखिए, आरबी लाइन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से एक लाइन बराबर हमने ऊपर ड्रॉ की 50 तक। फिर हमको सी का वैल्यू मिला, सी का वैल्यू कितना था, 10, तो हमने सी पॉइंट के ऊपर एक 10 वैल्यू मार्क कर दिया। और यहाँ पे भी UDL था, सो UDL के लिए हमने क्या किया, इसको स्लैंटिंग लाइन से ज्वाइन कर दिया। एक लाइन नीचे ये एरो नीचे आ रहा है, तो एक लाइन हमने क्या की, नीचे ड्रॉ कर दी और 10 को ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ SFD, तो SFD को हमने प्लॉट किया है। नाउ BMD, जब हम BMD सॉल्व करते हैं, तब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हैज अ जीरो वैल्यू, सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग में। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हैविंग अ जीरो वैल्यू। तो देखिए अभी BMD का कैलकुलेशन, तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का हमने जीरो कर दिया, तो बीच में बचा सिर्फ बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा, बी पॉइंट के जो नजदीक का कॉर्नर रहता है वहां से हमको मोमेंट लेना है। तो देखो, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस 4 मीटर है और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो सी पॉइंट इज ए नजदीक, ये अपने नियर है, तो हमको क्या करना है, तो यहाँ से मोमेंट लेना है। अभी सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ए और सी तो जीरो है बराबर, सो बी अपना क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। तो बी पॉइंट के लिए अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो कैसे घूमेगा, ये जो 10 है वो बीम के नीचे से घूमने वाला है, सो बीम के नीचे से अगर घूमता है तो उसको माइनस लो, सो -10 × 2 दैट इज -20। ओके, और यहाँ पे जो फोर्स आता है, एक छोटा वाला फोर्स कौन सा आएगा यहाँ पे UDL का, 20 × 2 दैट इज 40, तो ये 40 किलो न्यूटन भी नीचे से घूमेगा, तो दैट इज ऑल्सो निगेटिव। सो -40 × 1 सेंटर पे एक्ट होता है ना, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस उसका 1 आएगा, तो ये -40 और ये -20, तो टोटल लोड कितना हो गया, -60। तो BMD देखो आप, -60 पे हमने मार्क किया है BMD। तो जब हम BMD प्लॉट करते हैं, तो देखो सिर्फ ओवरहैंगिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका SF का कुछ सेक्शन पॉजिटिव में था और कुछ सेक्शन निगेटिव में इसका इम्प्लीमेंट हुआ है बराबर है। तो जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टोटल UDL है, तो हमको कर्व भी ड्रॉ करना पड़ेगा। A वैल्यू 0 था, B वैल्यू 0 था और अंदर B का वैल्यू हमको 60 मिला और C 0 था। ओके, तो इस कर्व को पहले पॉजिटिव में लेके फिर इसको निगेटिव में लाके हमको ज्वाइन करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव में है, तो अपना रेगुलर कर्व जो रहता है सैगिंग का कर्व, वो सैगिंग का कर्व हमको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो ये हो गया अपना BMD का। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, और जीरो स्ट्रेस पॉइंट भी बोलते हैं, टू लोकेट द पॉइंट ऑफ जीरो SF, शेयर फोर्स डायग्राम का जीरो पॉइंट हमको लोकेट करना है, तो वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन आपको यहाँ तक SF और BMD डायग्राम था ओवरहैंगिंग बीम का। ओके,